नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस भी फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड होगा, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इनडेफिनेट या सिंपल पास्ट। इसकी हिंदी में पहचान रहती है या, था, थे, थी या फिर ई। लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स। पॉजिटिव या एफर्मेटिव में इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वीडियो देखी, आई वॉच्ड वीडियो। वॉच्ड मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, वो पढ़ा, ही रेड। नेक्स्ट, नेगेटिव में इसका क्या रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो डिड है दैट इज हेल्पिंग वर्ब, और ये डिड अपने आप में ही एक सेकेंड फॉर्म है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू डिड डन, और डिड के बाद नॉट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह नहीं पढ़ा, ही डिड नॉट स्टडी। डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। नेक्स्ट, इट्स इंटेरोगेटिव या फिर क्वेश्चन मार्क फॉर्म। इसका रूल है डिड जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने ऐसा कहा, डिड यू से दिस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या तुमने ऐसा किया था, डिड यू डू दिस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट टेंस हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। जैसे प्रेजेंट में हमने है लगाया था, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में हम रहा था चेंज करेंगे, रही थी एंड रहे थे। लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स। पॉजिटिव में इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स थे इज एम आर, और यहां पे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज वर। वॉज कहां पे यूज होता है, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। वर कहां पे यूज होगा, जब प्लूरल होगा और यू के साथ भी वर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह नाच रहा था, तो वह दैट इज वन, ही आएगा। ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज। डांस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी डांसिंग, दैट मीन्स ही वॉज डांसिंग। नेगेटिव में इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। वॉज वर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो इसलिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं। वह सो नहीं रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग रहा है। नेक्स्ट कम्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आते हैं, दैट इज वॉज वर, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे बाजार जा रहे थे। अब यहाँ पे ये जो वे है दिस इज प्लूरल, तो वे प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब दैट इज वर। वर दे गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसकी पहचान रहती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। रूल्स हैं इसके पॉजिटिव में, एफर्मेटिव भी बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ चुका था, He had studied. Studied its verb की third form. Negative में है subject plus had plus not plus verb की third form and object. यहाँ पे had क्या है, helping verb, तो helping verb के बाद not लगा है. For example, वह काम नहीं कर चुका था, He had not done the work. Interrogative में जो helping verb होगा वो आगे आता है, तो that is had, subject प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्या वे बाजार जा चुके थे। अब यहाँ पे जो वे है दैट इज प्लूरल, पर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब
हैड ही लगेगा, हैड दे गॉन टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेज अगेन, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, जिसमें हमें टाइम रेफरेंस का पता चलता है। इसकी पहचान रहती है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इसमें हम सिंस एंड फॉर यूज करते हैं। सिंस कब यूज होता है? जब हम एग्जैक्ट टाइम बताते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock। फॉर कब यूज होता है? जब हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं या फिर हम कोई एस्टिमेशन या आइडिया लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 months, फॉर 2 days, फॉर 2 hours, लाइक दिस। लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पॉजिटिव में इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड, जो कि हमने परफेक्ट से लिया है, बीन एज इट इज रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, जो कि हम कंटिन्यूज में यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर में से कोई भी एक एज पर द सेंटेंस और टाइम, जिसको हम टाइम रेफरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह सुबह से अपना काम कर रहा था, सुबह मीन्स एग्जैक्ट टाइम। He had been doing his work since morning. Exact time है तो हमने use किया है यहाँ पे time reference since word. Next comes to negative. Subject plus had plus not been, verb की first form ing, object plus time reference. Helping verb के बाद हमेशा not लगता है तो had के बाद लगेगा. For example, वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा था, तो he had not been doing his work since morning. Let's talk about interrogation. Had आगे आ जाएगा क्योंकि interrogative में helping verb जो होते हैं वो आगे आते हैं, rest follows plus subject plus been, verb की first form ing, object, since and for and question mark. For example, क्या वे शाम से पढ़ रहे थे? Had they been studying?